तो दोस्तों हमारे पास आया है बैकलाइट। और दोस्तों इसमें का एक जो है बैकलाइट ख़राब है इसमें का, और इसमें का मात्र एक ही बल्ब ख़राब है ये वाला, बाकी ये पूरा सीरीज चालू है। लेकिन दोस्तों मैं ये दोनों बैकलाइट चेंज कर दूंगा। कारण ये है दोस्तों कि मैं अभी इसका ये वाला बल्ब ख़राब है, इसको शॉर्ट भी कर दूंगा ना तो ये बैकलाइट चालू हो जाएगा, पूरा कंप्लीट टीवी चलने लगेगा। लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे एक एक करके सब ख़राब होते जाएगा, कस्टमर परेशान हो जाएगा। क्योंकि मैं आज इसको चेंज करके दूंगा, हो सकता है ये महीने भर चलने के बाद ये वाला ख़राब हो जाए, उसके बाद इसको भी मैं वैसे शॉर्ट कर दूंगा, तो उसके बाद पता चलता है कि फिर 1-2 महीने चलने के बाद ये ख़राब हो जाए। ऐसे करते करते दोस्तों कस्टमर परेशान हो जाता है, फिर टीवी को फेंक देता है और नहीं चलाऊंगा टीवी, या तो फिर डब्बा वाला टीवी लूंगा, ऐसा करके उसका विचार बनने लगता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी आ जाए बैकलाइट ख़राब वाला, तो उसको आप दोनों पट्टी को एक साथ चेंज कर लीजिए और दोनों का पैसा ले लीजिए आप, लेकिन आपको कंप्लीट दोनों को चेंज करना है। इससे होगा ये कि आपका काम धीरे 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 रफ्तार पकड़ लेगा। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके पास इतना काम होगा कि आप मजदूर लगा के काम कराएंगे और आप गद्दी में बैठे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मैं कैसे लगाऊंगा आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं पुराना वाला बैकलाइट निकाल लेता हूँ, और इसमें माइनस प्लस देख के लगाना है दोस्तों, आप भी मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं तो क्या है पिक करने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है, क्योंकि और ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये जो है मेरा जो बैक लाइट है सेम साइज़ का नहीं है, इसका जो साइज़ है अलग है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ लेकिन ये नहीं मिल रहा है, ये तो मिल गया लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसको हम अंदर से लगाएंगे तो हमको इसको काटना पड़ेगा, तो दोस्तों ख़राब ख़राब दिखता है वो। कारण यह है दोस्तों मैच नहीं करने का, क्योंकि हमारे पास सेम एलईडी नहीं है, और हम लोग और हमारा जो दुकान है एक ग्रामीण इलाका में है, तो हम लोग इसको नया ख़रीदने के लिए जाएंगे तो फिर कस्टमर का टाइम बढ़ जाएगा और हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो कामर रहता है वही वाला बैकलाइट ला के रख रहते हैं स्टॉक में, और उसी को धीरे 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 करके लगाते रहते हैं। वोल्टेज सेम है दोस्तों, इसका भी वोल्टेज 3 वोल्ट है, इसका भी वोल्टेज 3 वोल्ट है, और इसका भी वोल्टेज 3 वोल्ट है। वोल्टेज सेम रहना चाहिए, बाकी ये आप कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप अंदर से भी लगाना चाहें तो अंदर से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ लाइट आएगा। जैसे कि ये वाला तो मैच कर गया और ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर छेद लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या टाइम भी लगता है और फोकस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं दोनों को टाइट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें समस्या एक आ रहा है कि ये जो है लंबाई में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, देख सकते हैं इसका जो लंबाई है कम है और इसका लंबाई ज़्यादा है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ से थोड़ा कट करेंगे, अभी ये बैठ नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ से हम लोग बिठा रहे हैं तो इधर चढ़ जा रहा है, देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है, और इधर से हम लोग जब बिठा रहे हैं तो इधर चढ़ जा रहा है, तो ये अप डाउन हो रहा है। तो हम लोग इसको परमानेंट फिक्स करेंगे, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कट लगा देंगे, ये जो कनेक्टर है इसको फेंक देंगे और यहीं से हम लोग फिर बिठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको कट कर लेता हूँ, उसके बाद बिठा के दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे छील कर यहाँ का जो पेंट है उसको उखाड़ कर मैंने इसका प्लस माइनस पता कर लिया है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है ऐसे करके। तो ये जो है दोस्तों माइनस है, ये जो चौड़ा दिख रहा है ये, और ये आखिरी का ये पतला सा ये प्लस है। तो देख सकते हैं आप भी, अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आए, आपका बैक लाइट बड़ा हो जाए, तो आप भी ऐसा कट कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंट को घिसेंगे तो यहाँ से इसका जो वायर है वो दिखने लगेगा, और दिखने के बाद दोस्तों आप इसमें पेस्ट लगाकर रंगा लगा दीजिए, फिर ये काम करना चालू कर देगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसको फिट करके दिखाता हूँ, इसका वायरिंग करके। तो ये है दोस्तों प्लस, तो हम लोग प्लस में लगा देते हैं इसको, क्योंकि अभी हम लोगों को दोनों में वायरिंग करना पड़ेगा प्लस माइनस का। तो देख सकते हैं ये प्लस का वायरिंग हो चुका है हमारा, और यहाँ से फिर इसमें माइनस में डाल देंगे, जिसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं दोस्तों कई लोग, और कई लोग इसको सीरीज बनाना भी बोलते हैं। अच्छे से सॉल्डिंग करना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये लग जाएगा तो फिर दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े,
ऐसा वाला काम रहता है, तो इसका वायर छोड़ देगा तो फिर आपको फिर से नुकसान हो जाएगा, फिर खोलना पड़ेगा आपको। तो आपको अच्छे से वायरिंग करना है इसका, अच्छे मजबूत सोल्डर लगाना है ताकि निकले मत। और ये है दोस्तों माइनस, जो मदरबोर्ड से आता है कनेक्टर, उसका वाला वायर इसमें लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने अच्छे से लगा लिया है। और ये है दोस्तों इसका प्लस, तो प्लस को भी लगा देते हैं यहाँ पे अच्छे से। चलिए दोस्तों मैंने वायरिंग अच्छे से परमानेंट फिक्स कर चुका हूँ दोस्तों। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे दोस्तों, कोई कमी रह गया होगा तो सुधार करेंगे। तो ये है दोस्तों मेरा LED टेस्टर, तो इसमें दोस्तों मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा माइनस का पॉइंट, माइनस को माइनस में रख देते हैं और प्लस को प्लस में। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैक लाइट जलने लगा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो एक बार दोस्तों हम लोग इसको मदरबोर्ड में लगा के चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, मदरबोर्ड में चेक कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से फिट कर लिए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको हम लोग सेकेंड बार लगाए हैं। बस इसमें मिस्टेक ये है कि ये अंदर से लगते हैं, हम लोग इसको बाहर से लगाए हैं, बाकी एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, कोई देखने में कोई बुरा नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें पेपर लगाएंगे और इसको डायरेक्ट मदरबोर्ड से चालू करके देखेंगे। यह पावर का बटन, इसको हम लोग ऑन कर चुके हैं, इंडिकेटर ऑन हो चुका है और यहीं से हम लोग स्विच दबा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैक लाइट अच्छे से काम कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ऊपर वाला पेपर भी लगा लिए हैं और एक बार इसको हम लोग फिर से ऑन करके देखेंगे। तो स्विच को कर दिया ऑन और यहाँ से करूँगा स्टैंड बाई। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैक लाइट अच्छे से काम कर रहा है और हम लोग पेपर के ऊपर में भी लगाए थे, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, इसका उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली मैं इसमें डिस्प्ले लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों हमारा फिटिंग का काम हो चुका है, अब इसको हम लोग एक बार लास्ट में एक बार चेक करेंगे, उसके बाद इसको कस्टमर के घर में भेज देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको पलट लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं पावर को ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा पावर ऑन तो हो चुका है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें डिस्प्ले आता है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें टकाई एंटरटेनमेंट दैट यू आर लिख के आ चुका है, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा TV अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसमें लाइट का कोई दिक्कत नहीं आया है, देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा मौसम ख़राब है इसलिए सिग्नल का दिक्कत कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो हम लोग बैक लाइट को ऊपर में भी फिट किए हैं, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर रिपेयरिंग से जुड़ी सभी प्रकार के वीडियो आता रहता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।